नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एवन टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि YouTube के प्लेटफॉर्म पे किस तरीके की वीडियोस मोनेटाइज होती हैं और किस तरीके की वीडियोस मोनेटाइज नहीं होती हैं। देखिए, तीन तरीके की कैटेगरीज होती हैं वीडियोस की। एक होती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस, एक होती है वॉइस ओवर वीडियोस और एक होती है फेस कैम वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर आप किस तरीके की वीडियोस को मोनेटाइज करा सकते हैं और किन वीडियोस को आप मोनेटाइज नहीं करा सकते। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं कि जब आप YouTube पर मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे अपने चैनल को तो YouTube आपके चैनल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना एक भी पल गंवाए हुए। लेकिन वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ ही दिखे बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं और अभी हाल फिलहाल में ही आपने कोई नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो आपको यह बात जान लेना बेहद जरूरी है कि किस किस तरीके की कैटेगरीज की वीडियो YouTube मोनेटाइज करता है और किस कैटेगरी की वीडियो YouTube मोनेटाइज नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो देखिए, तीन कैटेगरीज होती हैं YouTube पर। जैसे कि पहली जो कैटेगरी है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस कैसी होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस का मतलब होता है कि आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर लीजिए। जैसे मैं A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करता हूं, तो आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर लीजिए और उसमें आप पढ़ा सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, एक्सेल सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा सकते हैं, PPT सिखा सकते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी तीन तरीके की सब कैटेगरीज आती हैं। पहली जो होती है वो है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस म्यूजिक, मतलब कि आपने कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी और उसमें पीछे आपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, आपने अपनी आवाज नहीं दी, तो ऐसी वीडियोस भी आपकी मोनेटाइज हो जाएंगी। मतलब आपने किसी वेबसाइट का या किसी ऐप का रिव्यू किया या आपने कोई चीज ट्यूटोरियल सिखाया लेकिन आपने उसमें बोला नहीं, सिर्फ आपने उसमें करके दिखा दिया और पीछे उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, तो ऐसी वीडियोस भी YouTube मोनेटाइज कर देगा। ठीक, जो दूसरी इसकी सब कैटेगरी है वो ये है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर प्लस म्यूजिक। मतलब कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई भी ट्यूटोरियल आप दे रहे हैं और पीछे से आप अपना वॉइस ओवर भी दे रहे हैं कि दोस्तों देखिए ये एक्सेल होता है, इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको ऐसे बनाया जाता है, इसको वैसे बनाया जाता है, इसको कोरल ड्रॉ कहते हैं, इसको यहां से डाउनलोड करना है, यहां पर इसके ये टूल्स होते हैं, वो टूल्स होते हैं। तो अगर आप ये सारे ट्यूटोरियल्स आप दे रहे हैं, पीछे से वॉइस ओवर भी आपका चल रहा है और उसमें अगर म्यूजिक आपने लगा रखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे वीडियोज़ को भी यूट्यूब तुरंत मोनेटाइज कर देगा। तीसरी जो इसकी सब कैटेगरी है वो है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस वॉइस ओवर और अगर साथ में बगल में कहीं छोटा सा अगर आपका पिक्चर इन पिक्चर, मतलब कि आपके वीडियो के अंदर अगर आपकी फोटो भी आ रही है तो वेल एंड गुड है, तुरंत ही आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ये तीन सब कैटेगरीज होती हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, यूट्यूब आपके चैनल को तुरंत मोनेटाइज कर देगा। बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी है वॉइस ओवर की। अब वॉइस ओवर वाली वीडियोस कैसे होती है, वॉइस ओवर वीडियोस में होता क्या है कि जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट बना ली और पीछे आपने खाली उसको पढ़ दिया है, वॉइस ओवर दे दिया और वीडियो आगे चल रही है। लेकिन अब बात आती है कि अब आप वीडियो में क्या दिखाएंगे, डिस्प्ले क्या रहेगा। वॉइस तो आपकी आ गई लेकिन डिस्प्ले क्या रहेगा, तो डिस्प्ले में आप क्या यूज कर सकते हैं, नो कॉपीराइट इमेजेस यूज कर सकते हैं, कुछ ट्रांजिशंस यूज कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, कुछ नो कॉपीराइट वीडियोस होती हैं उनको आप यूज कर सकते हैं, उनका एक स्लाइड शो बना करके पीछे आपने वॉइस ओवर कर दिया और कोई भी एक हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं तो यूट्यूब आपके चैनल को तुरंत मोनेटाइज कर देगा। अब आती है थर्ड कैटेगरी जो कि है फेस कैम कैटेगरी। जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मतलब कि आप खुद भी स्वयं प्रेजेंट भी हैं और आपकी आवाज भी आ रही है, तो ऐसी वीडियोस को तो तुरंत यूट्यूब मोनेटाइज कर देता है, इसीलिए बना ही है ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं तो तुरंत ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब बात आती है कि कैसे चैनल्स को, कैसी वीडियोस को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा। ये तो हम लोग समझ गए कि कैसी वीडियोस को YouTube मोनेटाइज करता है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि कैसी वीडियोस को YouTube मोनेटाइज नहीं करता है और वो जाने अनजाने में गलत सलत वीडियो बनाते चले जाते हैं। अंततः क्या होता है कि जब वो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, मेल वगैरह करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से कुछ दिनों बाद मेल आता है, एक दो दिन बाद या 24 घंटे बाद, कि आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो कौन सी वीडियोस होती हैं, तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वीडियो किसी और का उठा लिया, आवाज़ किसी और की उठा ली, साउंड इफेक्ट कोई और लगा दिया, म्यूजिक कुछ और लगा दिया, तो ऐसी वीडियोस को YouTube कभी भी मोनेटाइज नहीं करेगा। देखिए, YouTube का सीधा कहना है, साफ साफ ये कहना है कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी आप YouTube पर डालिए, अच्छा बुरा कॉमेडी हंसाना रुलाना कुछ भी डालिए, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपकी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, तो YouTube
कि जो पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसी है वो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगी। अब बहुत से व्यूवर्स का ये भी कहना होगा कि नहीं सर, मोनेटाइज तो हो जाती है, मैंने बहुत से चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने वीडियो कोई और उठाकर लगा रखी है, जिन्होंने क्लिप कोई और लगा रखी है, पीछे कुछ उन्होंने वॉइस ओवर किया भी नहीं है, खाली साउंड इफेक्ट लगा दिया है और म्यूजिक लगा दिया, लेकिन उनका चैनल मोनेटाइज है। सोशल ब्लेड पर मैंने देखा सर, तो उन पर उनको पैसा मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कभी कदार गलती से हो जाता है, YouTube उसको मोनेटाइज कर देता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो चैनल डिमोनेटाइज कर दिए जाते हैं। इसलिए जो भी वीडियो आप बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन वहां पर आप अपनी प्रेजेंस जरूर दर्ज करिए। अगर आपकी वहां पर प्रेजेंस नहीं है तो फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सी कैसी पॉलिसी आ जाए और आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाए। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं उस चैनल से जिसमें आपने ना वीडियो अपनी लगा रखी है, जिसमें आपने ना अपना म्यूजिक लगा रखा है, जिसमें ना आपने अपना साउंड इफेक्ट लगा रखा है, जिसमें ना आपने अपना वॉइस दिया है, आप उस चैनल से बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसी पॉलिसी आ गई या YouTube की नज़र में आपका चैनल आ गया, तो आपके चैनल को तुरंत डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। क्योंकि जो YouTube का रूल है, पॉलिसी है, वो यही है, वीडियो में आपकी प्रेजेंस होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि YouTube पर काम करने के लिए आपको किस तरीके की वीडियोस बनानी है, किस तरीके की वीडियोस को आपको डेवलप करना है और किस तरीके की कैटेगरीज पर वीडियोस पर आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा, आज के बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो सोच क्या रहे हैं, फटाक से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर तुरंत क्लिक कर लीजिए। तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।